आज आप महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे तो जो जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक दुगलापन आ गया है, उसको एक सुसंस्कृत पर्याय देने का काम छत्रपति संभाजी राजे की तरफ से ये स्वराज्य पार्टी कर रही है। स्वराज्य पार्टी ने अभी तय किया है कि महाराष्ट्र का जो प्रस्तापित लोग है उनको घर में बिठाने का है, और जो गैर गरीब जो अच्छे सुसंस्कृत पर्याय देना है ऐसा तय कर दिया है। और नवी मुंबई में भी जो घरानेशाही चालू है, जो परिवारवाद चालू है, उसको खत्म करने का काम स्वराज्य पक्ष की तरफ से हो जाएगा। आज नवी मुंबई की जनता पूरी पीड़ित है, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे रास्ते नहीं है, यहाँ पे आरोग्य व्यवस्था है, यहाँ का एजुकेशन सबसे महंगा एजुकेशन है, फिर भी यहाँ पे हम लोग शिल्पकार कह के यहाँ पे जो काम कर रहे उनको यहाँ की जनता आने वाले 20 तारीख को उनका जगह दिखाएंगी। और छत्रपति संभाजी राजे के नेतृत्व में जो स्वराज्य पक्ष खड़ा है, हम लोग नए हैं लेकिन सच्चे दिल के, इसके लिए जनता ने हमको स्वीकारा है। और आज जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, यही हमारी जीत का पहला शुरुआत है। नहीं, ये पार्टियों ने भी वैसा ही काम किया है ना, उन्होंने कोई भी विचारधारा रखी नहीं है। कोई हिंदुत्व वाले आधा उधर जा रहा है, जो पुरोगामी बोल रहे हो ये इधर जा रहे, किसी भी पार्टी को अभी विचारधारा नहीं रही है। और उसका परिणाम आने वाले विधायक भी कर रहे, जो उनको लगता है सत्ता पाने के लिए कुछ भी करना है, ये अब काम चालू है। और नवी मुंबई की जनता ने तो इनको गरीब भरने का काम चालू है, इनको हम लोग जो करेंगे वो आपको करवाना पड़ेगा ऐसा जो काम है, ये यहाँ पे जनता अभी सहन नहीं करेगी और उसका छोड़े तोड़ जवाब ये आने वाले 20 तारीख को मिलेगी। यहाँ का शिक्षण जो सबसे एजुकेशन महंगा है, सिड़कों को जमीन लाट के खुद की शिक्षण संस्थाएं बनाए यहाँ पे, उसको खत्म करने का काम करेंगे। यहाँ के गरीब लोगों को पहला अच्छा और सस्ता शिक्षण व्यवस्था हम लोग लाएंगे। यहाँ की पानी व्यवस्था है, आप आगे जाएंगे MIDC में हमारे लोग रह गए लेकिन उनको मोरबे का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र से जितना भी यंग जनरेशन यहाँ पे आ रहा है उनको रोजगार नहीं है, 10-15 और यहाँ का सबसे ज्यादा उनको रोजगार नहीं है। यहाँ पे ड्रग्स और इसका सबसे ज्यादा सेवन नवी मुंबई में होने लगा है, इसके ऊपर किसका ध्यान है वो बदलने का काम स्वराज्य करेगी।